जो भी चीज़ हम बड़े मन से करते हैं वो एक अपने आप एक कलात्मक रूप धारण करती है, और मुझे लगता है वही कला है। हमारा जो काम है, मैं स्कल्प्टर हूँ, कोई पेंटर है, कोई संगीतकार है, कोई नाटककार है, कोई पॉलिटिशियन है, मुझे लगता है हर आदमी अपने काम को बस पूरे लगन से सच्चाई से करे तो वो एक जिम्मेदार इंसान है। नमस्ते, मैं आशीष बोस, मैं एक मूर्तिकार हूँ और दिल्ली में मैं 15 सालों से आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ है और मैं एक स्वर्णकार फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, तो बचपन से ही बिजनेस और बस बिजनेस के अलावा और कुछ भी नहीं था हमारे फैमिली, मतलब मेरा फ्यूचर यही फिक्स किया गया था कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है और अपनी दुकान को चलाना है, लेकिन मेरा मन उसमें कतई नहीं लगा और बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट मिट्टी के मूर्तियों में, ड्राइंग्स में, इन्हीं चीज़ों में रहा। जब मैं आर्ट से और जुड़ता गया, मैं कोलकाता गया, वहाँ जाके शोज़ देखे, फिर पटना आर्ट कॉलेज में मैंने आईफैक्स अवार्ड मिले थे कई आर्टिस्टों को, उनके काम देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा जैसे कि ये मेरी अंतरात्मा मेरी कह रही है कि ये ही मेरा काम है। और फिर धीरे धीरे मेरा मन उछटता गया अपने बिजनेस से और आर्ट की तरफ मेरा रुझान बहुत बढ़ गया। समाज में भी जहाँ मैं पला बढ़ा वहाँ पे आर्ट को लेके उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है, तो मुझे बहुत रीज़न देना पड़ा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी घर वाले इतने संतुष्ट नहीं थे। फिर मैंने अपनी मम्मी को मनाया, मम्मी बोली ठीक है जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो। फिर मैं आके दिल्ली में स्टार्ट किया अपना फ्यूचर और मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा हेल्प मिला, मुझे एक सीनियर आर्टिस्ट हैं राजेश श्रीवास्तव भैया, उन्होंने मुझे बहुत मदद की, और प्रवीण उपाध्याय गैलरी, पाइनियर आर्ट गैलरी के वो ऑनर हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की। चलते चलते फिर बहुत सारे रास्ते से होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैं दिल्ली आया तो मैं क्ले मॉडलिंग करता था, तो ज़्यादातर मकान मालिकों को बहुत आपत्ति होती थी, वो मना करते थे। फिर धीरे धीरे मेरे शोज़ हुए, मैं उनको अपने कैटलॉग्स दिखाता था, फिर मेरे अच्छे बायर्स टीना अंबानी ने भी मेरा शो किया था हर मनी का 2006 में, और भी जर्मन एम्बेसी में और बहुत सारे, मतलब स्वीडन में भी मेरे मैंने काम किया एक स्वीडिश आर्टिस्ट के साथ, ऑस्ट्रिया में मेरा काम है। तो धीरे धीरे मेरी उपलब्धियाँ बढ़ती गई, तो मैं अपने लैंडलॉर्ड को भी उन चीज़ों से अवगत कराता रहा, तो फिर मतलब उनके लिए भी एक बड़ी बात होती थी कि चलो मेरे यहाँ एक किराएदार रह रहा है जो इस स्तर पे अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। लेकिन मैं जगह भी चेंज करता रहता था, तो हर बार मकान मालिक को समझाना, और फिर मैं हमेशा थर्ड फ्लोर में ही अपने स्टूडियो को बनाया हूँ, तो वहाँ से स्कल्पचर मिट्टी को ले जाना, फिर उससे स्कल्पचर बना के उस मोल्ड को नीचे लाना, और वुड कार्विंग तो काफ़ी साउंड होता है, तो उसके लिए मैंने दो बड़े बड़े गद्दे बनवाए थे और उन गद्दों को एक के ऊपर एक रख कर उस पर धीरे धीरे करके वुड कार्विंग करता था ताकि शोर से कोई और डिस्टर्ब ना हो। ब्रोंज में फिर ग्राइंडर चलाना, ग्राइंडर का आवाज़, फिर उसका डस्ट, मतलब काफ़ी मैनेज करके मैं काफ़ी सालों तक काम किया। अभी मेरे पास एक दो स्पेस है जहाँ पर मैं फ्रीली काम कर लेता हूँ, लेकिन ये मुश्किलात बहुत आई। फिर स्कल्पचर बना के आप स्टोर कहाँ करोगे, स्टोर करना भी एक बहुत मतलब बड़ी बात होती है। आप एक आर्टिस्ट के लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होता है, जिस तरह से एक सोना तपने के बाद ही कुंदन का रूप लेती है, उसी तरह से जब तक एक आर्टिस्ट स्ट्रगल मोड में नहीं जाता वो परिपक्व नहीं होता है। सीखने के लिए बहुत आसान सिचुएशन में वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा, उसके लिए बहुत सारे कठिन परिस्थिति आने ज़रूरी है। सो आए मेरी ज़िंदगी में, जब मैं बिज़नेस करता था मेरे लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं थी, जो चाहते थे वो मिलता था, लेकिन जैसे ही मैं सब छोड़ के आर्ट की तरफ गया मेरे लाइफ में दिन रात का फ़र्क हो गया। हर चीज़ के लिए मुझे सोचना पड़ता था 100 बार, और फिर भी मुझे कोई
तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैंने जिस काम को चाहा, जो काम मेरे सबसे दिल के नज़दीक था, उसको मैंने पाया और फिर मैं बढ़ता गया। तो आज लोग जानते हैं मुझे, थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी कि मैं अपने मन मुताबिक काम कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है आर्टिस्टों को एक स्टाइल में बंध के नहीं रहना चाहिए। स्टाइल अपने आप डेवलप होता है, और जब आप एक स्टाइल को पाते हो और उसी स्टाइल को आप लगातार कई सालों तक आप लोगों के सामने रखते हो, तो कहीं ना कहीं दर्शक भी आपसे ऊब जाते हैं। विश्व के महानतम कलाकार पिकासो ने भी, अगर आप उनके सारे कामों को देखो, तो समय के अंतराल उन्होंने उनके स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़बरदस्ती एक स्टाइल पे टिके रहना, ये तो फिर ऐसा हुआ जैसे आप तप करने बैठे और 2 महीने बाद ही आपको भगवान मिल गए और बस आप उसी रूप को लेके। ऐसा आर्ट में नहीं होता है। आर्ट आपको हर रोज़ एक सीढ़ी के पैदान की तरफ आपको ऊपर की तरफ ले जाती है, और नए नए रूप, नए रंग, नए आकार, आकृति सबसे आपका मुलाकात होता है। तो स्टाइल के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, वो अपने आप आपके काम में आ ही जाता है। मैंने लकड़ी पे, पत्थर पे और फाइबर ग्लास, ब्रोंज, बहुत सारे मीडियम में मैंने काम किया है, लेकिन वुड कार्विंग मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है हमेशा। यहाँ इसमें मैंने वुड पे अभी काम चल रहा है, तो अभी मैं क्ले मॉडलिंग भी कर रहा हूँ और पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। काफ़ी पोर्ट्रेट्स मैंने बनाए हैं बहुत सारे जाने माने लोगों के, अभी दलाई लामा की भी मैंने अभी मूर्ति भी कंप्लीट की है कुछ दिन पहले। कई साल पहले मैं एक आयरन बनाया था, उस आयरन में मैंने इंडिया के मैप जैसा डिज़ाइन करके उसमें काफ़ी छेद कर दिए थे। टाइटल मैंने ये रखा था माय मैजिकल आयरन। तो उसका मतलब मैंने बनाने का पीछे यही कारण था कि हमारे देश में जो भी भ्रष्टाचार, बलात्कार और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो मुझे एक रिंकल शर्ट की तरह लगती हैं, उन सबको बिल्कुल एक प्रेस से बिल्कुल उन सारे रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक मैजिकल आयरन है, जो मैं उस पर चलाऊँगा, सारे रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा और कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई, उन्होंने बोला कि आप अपने भारत देश को ऐसे क्यों दिखा रहे हो, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन किसी चीज़ को छुपाने से छुपती नहीं है, जो चीज़ है वो जग जाहिर है। तो हम आर्टिस्ट यही कर सकते हैं कि हम अपने कला के माध्यम से उन चीज़ों को पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। हमारा ये एक अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचार को रखने का एक ये जरिया है। टैलेंट मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों में है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको ढंग के लोगों से मिलना पड़ेगा, जो लोग आपको कुछ सिखा सके और आपको और बेहतर कर सके। क्योंकि जब आप छोटे शहर से बड़े शहर में आते हो, दिल्ली जैसे एक महानगर में आते हो, तो वहाँ की सोच और यहाँ के लोगों की सोच में, यहाँ का आर्ट में, यहाँ के हर चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और आप जितनी जल्दी समझोगे, आपका काम, आपकी कामयाबी आपको उतनी जल्दी मिलेगी। कि थोड़ा ग्लैमरस वर्ल्ड में तो आर्टिस्ट को भी जाना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कि आप अपना वही पुराना एक पुराना झोला और दाढ़ी ऐसे बढ़ा के बहुत अपने आप को दुखी दिखा के, स्ट्रगल आर्टिस्ट दिखा के, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आप पे हावी ना हो। अगर ये सारा ग्लैमर आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो गया, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप फिल्म स्टार नहीं हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आपको एक रूम में, कमरे में रह के काम करना होता है और बहुत सारे मतलब विषयों पर काम करना होता है। तो आप बहुत ज़्यादा इन ग्लैमर में अगर बह गए, तो फिर आप अपने अंदर की जो एक गंभीरता है, उसको आप खो बैठोगे। तो मुझे लगता है कि आपको मोटिवेट सबसे ज़्यादा आपके दर्शक ही करते हैं, जो आर्ट गैलरी में जब आप अपने शोज को करते हो और लोग आते हैं, तरह तरह की आपकी कामों के ऊपर अपनी बातों को रखते हैं, अच्छा बुरा जो भी है, ज़्यादातर तारीफ ही मिलती है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी मोटिवेट करता है एक आर्टिस्ट को। एक गैलरी का महत्व बहुत ज़्यादा है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट ज़्यादातर अपने समय को अपने काम में ही देता है, और मार्केटिंग से भी वो अछूता ही होता है, और ये सारा काम गैलरी करती है बखूबी। इनके पास बायर्स होते हैं, आर्ट कलेक्टर्स होते हैं,
और इनके पास सबसे जो ज़रूरी बात है, उनके पास अपना एक स्पेस होता है, और स्पेस भी ऐसा होता है जो हमारी कलाकृतियों को बिल्कुल सही तरीके से वो हैंग करना वॉल पे, या स्कल्पचर्स को स्टैंड करना, और बहुत अच्छे जगहों पे, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनीज़ में, अच्छे मार्केट्स में गैलरीज हैं। तो मुझे लगता है आर्टिस्ट काफ़ी भावुक होते हैं, और बिजनेस काफ़ी रफ चीज़ है, जो मैं जानता हूँ। मैं खुद एक बिजनेसमैन रह चुका हूँ, वहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं है। मेरे गुरु भी कहते थे, जब कोई कलाकृति बनाना तो बहुत भावुक होके, लेकिन जब व्यापार करना तो अपनी भावनाओं को एक साइड में रख देना, नहीं तो ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ों से जूझोगे। और ये बाद में भी मुझे बहुत सारी कटु अनुभवें रही हैं। तो मुझे लगता है गैलरी सबसे बेटर है, ये आपको समय के साथ साथ आपकी प्राइस को भी एक अच्छे जगह पे ले जाती है, आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से करती है। मेरे लिए सक्सेस मंत्र है बस, आप सच्चे मन से अपने काम में लगे रहो, दिन रात लगे रहो, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपकी सारी बाधाएं, आपकी सारी कमियां, आपकी नित्य दिन की जो प्रैक्टिस है, वही आपको सारी चीज़ों को आपके सामने लाते रहेंगी, आपकी कमियों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे, और दिन पर दिन आप और बेहतर हो जाओगे।